प्रणाम, मैं फिल्म डायरेक्टर विजेश मैं शुभम सितारा माहे सिंघिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नामचीन, एक ऐसे योगा किंग जिन्होंने अपने मेहनत, अपने लगन और अपने बलबूते पे पूरे भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अलग अलग देशों में अपने नाम का झंडा गाड़ चुके हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात आप लोगों के लिए यह है कि वह शख्स कोई और नहीं, माहे सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत मुसेपुर के रहने वाले जिनका नाम नंदकिशोर भारती है। और वह पिछले 4 महीनों से अपने गांव मुसेपुर में ही रह रहे हैं और पिछले 3 महीनों से सिंघिया हॉस्पिटल के नजदीक डाक बंगला विवाह भवन में प्रत्येक दिन सुबह के 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सभी लोगों को क्लास करवा रहे हैं। और चाहे तो आप लोग भी आकर क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ नंदकिशोर सर किस तरह से सभी लोगों को क्लास करवा रहे हैं। जो पैर सीधा था उसको मोड़ दिए, ये पैर यहाँ रहेगा
पुनः वही और ये हाथ इस बार कमर से लपेट लेते हैं, कंधे के पीछे देखते हैं। ये डायबिटीज के लिए हाथ ऐसे करिए, जो पैर नीचे है वही हाथ पीछे जाएगा। ये सांस गो मुखासन पकड़ लिए, ऐसे फिंगर लॉक करिए। और हमारे रिजर्व में जो कुछ हंच हो जाता है उसको सीधा करने के लिए अभ्यास है। आगे वापस झुकाइए और अब यहीं से हम लोग आ जाते हैं पेट के बल करने वाले अभ्यास। पेट के बल हम लोगों ने सूर्य नमस्कार में भुजंगासन डाउट ब्लिंकिंग बिना पलक झपकाए देखना। आ जाइए नीचे। अब यहीं से हम एक भुजंगासन का दूसरा वेद करेंगे। ऐसे फिंगर्स लॉक कर लीजिए पीठ पर, सभी लोग करिए, ऐसे लॉक करिए। उंगली पे उंगली फंसाना है, नहीं हुआ पंकज जी? हाँ, अब खींच के उठा चेस्ट, स्टमक सब खींच जाएगा, स्पाइन पूरे बॉडी में अंगूठे से लेके सिर तक एक खिंचाव ऊपर देखना है। बिना ब्लिंकिंग देखने से आंखों पर भी अच्छा प्रभाव, त्राटक का लाभ मिल जाता है, डाइजेशन सिस्टम मजबूत, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कम बैक, आ जाइए वापस यहां। दोनों हाथ सीधा कर दीजिए। हम लोग विपरीत नौका आसन करेंगे। जोड़ दीजिए हाथ और पैर, जोड़िए नौका आसन, नौका चालन कर दीजिए। तो भरिए सांस और ऐसे अप डाउन कर जाइए, करिए अप एंड डाउन। किनारा लगेगा, भव सागर से पार जाने के लिए दुख के थपेरे आते रहते हैं, उनको सहन करने के लिए योग का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग धनुरासन का अभ्यास करते हैं। चिन नीचे करिए के साथ नॉर्मल हो जाते हैं। फिर भाइयों सांस इस बार आगे पीछे फिर करिए धनुरासन में। सभी लोग नीचे आइए, फिर नीचे टच करने का प्रयास। अब फोर दाया पैर पीछे ले चलिए, सभी लोग दाया पैर पीछे आ जाइए यहां अपने, फिर आ जाइए यहां साष्टांग दंडवत प्रणाम आसन में। ऐसे घुटना चेस्ट चंद्रासन भरते भुजंगासन, ये देखिए ये रखेंगे नाभि से ऊपर उठा कर लेग से, फिर भरिए सांस पीछे तो आ गए यहां पुनः का आ गए यहां पादहस्तासन कर लेने से पूरे दिन के लिए हम लोग तरोताजा। फिर पीछे और ट्वेल्व में ऊपर की ओर स्टमक स्पाइन शोल्डर्स बोथ हैंड स्ट्रेच पूरी तरह और सामने एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें विदाउट ब्लिंकिंग। ये अभ्यास लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाइए नीचे हाथ कर लीजिए। अब यही पुनः एक बार और सांस भरिए, पैर बदल लीजिए और ऐसे पहले सीधा करिए पैर को कमर को, अब जाके
कर लीजिए और खड़े रहिए, फिर आ जाइए पापा जी। देख ही लिया यहाँ पर नंदकिशोर सर किस तरह से सभी लोगों को क्लास करवाए हैं। तो आइए यहाँ पर क्लास करने वाले सभी लोगों से जानते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या-क्या सीखा है और इनके क्या-क्या फायदे हुए हैं। तो गाइस हम आप सभी लोगों से ये पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि योग भारती इंस्टीट्यूट के माध्यम से अभी जो प्रैक्टिस कराया गया है नंदकिशोर सर के माध्यम से, उनसे आप लोगों ने क्या सीखा है और इनका क्या फायदा है। मेरा नाम वैद्यनाथ जी, मैं इंस्टीट्यूट में लगभग एक महीने से आ रहा हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग भी हैं, पंकज जी, मुन्नू जी, दीपक जी, सज्जन जी वगैरह वगैरह जितने लोग हैं, सब लगभग एक महीने से आ रहे हैं। इससे हम लोगों में जो अंदर में जितनी कमियां थी, जो आलस्यपन था, ये सब खत्म हो गया और अपने में एक पूर्ति जैसा महसूस हो रहा है, ताजगी जैसा महसूस हो रहा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब उन ताजा हो गए हैं, उन अच्छे लग रहे हैं। इससे हम लोगों को काफी फायदा हो रहा है और इतना बढ़िया लग रहा है कि सुबह में ठंडा का मौसम होने के बाद भी मौसम ठंडा भी रहता है, फिर इतना पसीना निकलता है कि जाता है कि पसीना के माध्यम से हम लोगों की पूरी बीमारियां खत्म हो गई और हम लोग तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करते हैं। तो सज्जन जी आप बताइए आपको क्या क्या फायदे हुए हैं। जब से हम योग भारती में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं तब से हमको काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि हम गैस और ज्वाइंट पेन जो है उससे थोड़ा प्रॉब्लम में थे, लेकिन जब से आए हम पूर्ण स्वस्थ अनुभव करते हैं और हर तरह का जो दिक्कत है आपको कमर का और गैस प्रॉब्लम था वो सब ठीक हो गया है। अब हम कोई तरह का दवा नहीं लेते हैं और ख़ास करके इस चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं जो भी युवा लोग हैं वो भी खास करके जुड़े और जो भी 40 से या जो भी उम्र के लोग हैं आए और वो दवा से मुक्ति पाना है तो योग करें, योग से रोग भगेगा ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है और आज यहाँ योग भवन विवाह भवन ये सार्थक हो रहा है। जब या आप 5 से 10 दिन ही करेंगे तो आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा और आप इससे लाभान्वित होंगे और आप भविष्य में दवा से मुक्ति पाएंगे। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं आप सभी लोग सिंह ग्रामवासी और तमाम जो युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप जरूर ही विवाह भवन पर आएँ और इस योग भारती का हिस्सा बने और योग से रोग भागे आप दवा से मुक्ति पाएंगे और इसका लाभ है स्वस्थ रहेंगे। तो पंकज जी आप इस विषय में आपका क्या कहना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोग 1 से 1.5 महीने से इस योग अभ्यास कर रहे हैं इसमें हम लोग को बहुत अधिक फायदा मिला है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, भाई बंधु हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि ये सब अधिक से अधिक और सभी लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें और उनसे ये आग्रह करें कि यहाँ आइए और जो भी तरह की समस्या है शारीरिक मानसिक उससे यहाँ योग में अभ्यास करके लाभ। तो बताइए गुड्डू जी आपका इसमें क्या कहना है। मेरा कहना है कि इस योग शिविर में खास करके हमारे नंदलाल जी का जो योगदान है ये बहुत ही सराहनीय है हमारे प्रखंड के लिए और यह योग शरीर में एक नई शक्ति का उपचार करता है और खास करके इस योग में जो हमारे साथी जो बुजुर्ग
बुद्धिजीवी नौजवान मित्र जो इसमें भागीदारी दे रहे हैं उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके दीर्घायु के लिए यह योग शिविर में आना और योग से लाभ उठाना अत्यंत ही आवश्यक। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे कब से आ रहे हैं और आप लोगों को कैसा लग रहा है? योग शिविर में मैं कुछ हफ्तों से आ रहा हूँ। यहाँ नंदा सर के द्वारा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम, और ये सुबह में मैं ये फिटनेस के माध्यम से मैं यहाँ तमाम युवा साथियों को बताना चाहूँगा वो आके यहाँ योगदान करें और अपना शरीर को तंदुरुस्त बनाएं और खुशहाल जीवन बनाएं। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।